राज्य में सुख समृद्धि शांति अच्छी वर्षा व खुशहाली के लिए श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को रुद्राभिषेक कराने की पूर्ण तैयारी कर ली गई है। देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले सभी शिवालयों एवं प्रदेश के अन्य सभी प्रमुख शिव मंदिरों में भी विभाग की ओर से रुद्राभिषेक करवाया जाएगा। देवस्थान विभाग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने श्रावण मास व अधिक मास की बधाई देते हुए यह जानकारी मंत्री श्री रामचंद्र जी आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप प्रदेश में विभाग के अधीन शिव मंदिरों में श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को रुद्राभिषेक कार्यक्रम के आयोजन हेतु सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जैसे सबसे बड़ा होगा हमारा प्रतापेश्वर मंदिर में भी होने जा रहा है जी। और जयपुर में मंदिर है रामेश्वरम जो आमेर में मंदिर है उसमें भी होगा। पुराना घाट जयपुर में मंदिर है, सिरोही डोली जयपुर मंदिर है, ऐसे सारे जिलों में करेंगे। ठीक है, सभी जिलों का रहेगा मेरा, पूरे जिलों में एक मंदिर नहीं एक से अधिक भी हो सकते हैं। और हमारा जो मैं बात करूंगी अभी और जैसे भी हमारा अन्य जिलों में जो हमारे मंदिर है, अन्य प्रदेशों में जो हमारे मंदिर है उनमें भी हमारा करने का इस बार नया एक ये आयाम होगा। श्रावणियों का भी जो हमारे अन्य जो लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो अन्य जो संस्थाएं हैं, वो भी फ़ोन कर रहे हैं कि मैडम क्या कांवड़ियों को लेकर के हम एक प्रोग्राम कर लें, आप हमारा अगर साथ दे दें। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कांवड़ियों को भी जहाँ जिस तरीके की अगर कोई आवश्यकता होगी तो हमारे जो मंदिर है देवस्थान के मंदिर अगर रास्ते में पड़ रहे हैं तो हम बिल्कुल उनकी व्यवस्था करने का पूरा हमारा प्रयास है। पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, ये तो हमारी सरकार की तरफ से होती है, हमेशा होती आई है और सभी जगह होती है। जहाँ जहाँ भी धार्मिक आयोजन होते हैं, चाहे भागवत कथा हो चाहे रामायण हो, आप देखेंगे कि शिव पुराण सब जगह चल रही है। जैसे अजमेर में भी चल रही है, आगे आने वाले दिनों में जो अलवर में भी होगी, तो इस तरीके के आयोजन में पूरी सरकार की जो व्यवस्थाएँ होती है पूरी फुल्ली हम व्यवस्था देते हैं, उनको सुविधा प्रदान करता है प्रशासन पूरा उनके साथ खड़ा है। देवस्थान के वो अलग से है, बाकी प्रन्यास मंदिर, खुद ट्रस्ट के मंदिर, आत्मनिर्भर मंदिर, तो ये जो स्वयं मंदिर प्रशासन होता है तो वो स्वयं मंदिर प्रशासन अपनी ओर से उसने लगा दिए होंगे। बाकी हमारा सरकार की ओर से कोई किसी तरीके का ऐसा आदेश या निर्देश नहीं है, क्योंकि पहनावा जो है, पहनावा व्यक्ति के स्वयं विवेक पे निर्धारित करता है कि वो स्वयं निर्णय लेता है कि मुझे क्या पहनना है। अपन किसी के ऊपर इस तरीके का नहीं कर सकते और सरकार की तरफ से हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, ये मैं बात क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि पहनावा व्यक्ति के स्वयं विवेक पे आधारित होता है। अब जैसे कुछ पंडित जी कहते हैं साहब हमारी किंवदंती है, किंवदंती माना गया है पंडितों के आधार पे कि भाई आधे कपड़े पहनने से आधा विकास होता है, आधी सोच रहती है। तो अब वो तो भाई वो शास्त्रार्थ जाने जो शास्त्री हैं उनको पता होगा कि भाई हाफ कपड़े पहनने से हाफ विकास होता है, मानसिक विकास जो वो बताते हैं, अब जैसा बताएंगे तो वो उनकी वो सोच है, तो उनको नहीं आना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा हाफ कपड़े पहन करके भगवान के सामने पूरे कपड़ों में आए, तो ये उनकी सोच है कि दंती के आधार पे है। मेरा और हमारी सरकार की तरफ से कोई किसी तरीके की पाबंदी नहीं। उदयपुर का जो जगदीश मैम एक इसके बाकिया हमारे प्रशासन अधिकारियों की ओर से, हमारे ACS CS की ओर से कोई किसी तरीके का इंस्पेक्टर की ओर से कोई हमारा बोर्ड नहीं बनाया गया। कुछ लोग होते हैं जो कहीं कुछ भी चस्पा कर जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी, नहीं हटा दिए हटवा दिए वापस आ जाएगा, कार्रवाई करेंगे। अभी ये क्या है जब वो भी लगा रहे हैं हम मंदिर में, अगर आप कोई ऐसा मंदिर है हमारी नॉलेज बताइए हम उसमें और लगा देंगे, बाकी हम छोड़ नहीं रहे। कसर जहाँ तक हमारी पहुँच रहती है तो हम करते हैं कि मंदिर सुबह पूजा करके पंडित जी चला जाता है, दोपहर को फिर वो शाम को आ जाता है, पूजा पाठ कर जाता है। अगर फिर भी अगर आपकी नॉलेज में कोई मंदिर ऐसा है तो हमें बताएं, हम उनको लगा रहे हैं। कमाए दे जो बेल आती है अधिकतर, चाहे चमेली की चंपा का फूल है या मोगरे का है और सदाबहार है जिसमें हमेशा फूल आते रहते हैं, आपने देखा होगा कि वो पौधा भी चमेली, उसको ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है सदाबहार को, तो उसके अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हमने ये कंपलसरी भी करा है कि अपने जो 593 मंदिर होंगे तो लगाओ ही लगाओ, बाकी और कोई मांग करता है तो उनको भी हम ये पेड़ पौधे प्रोवाइड कराएंगे, उनको भी दे देंगे। तो ऐसे पेड़ पौधे लगाने से डेली के जो मंदिर में चढ़ाने के लिए चाहिए तो वो उसके लिए हमको बाहर से खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बाकी तो पूरी व्यवस्था हम कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। इस तरीके के होते हैं तो कुछ ना कुछ पंडाल कोई कुछ कर देते हैं, कोई लगाएगा पोस्टर किसी तरीके का लगाएगा, कोई किसी तरीके का लगाएगा। अब हमारी तरफ से तो ऐसा है नहीं कि कोई कैसे कपड़े खरीदे, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
विवेक पे आधारित है कि वो किस सोच से क्या पहन के आएगा, वो उस पर कार्रवाई की जाएगी। किस पे? जो लोग इस तरह के पोस्टर चस्पा करेंगे, पूछेंगे कि कौन कर रहा है इस तरह की दुकान, उसे बात करी जाएगी, कार्रवाई नहीं करेंगे। कार्रवाई से ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत सीनियर है और शास्त्रों के ज्ञाता भी अधिक है, लेकिन जो परंपरा है, जो हमारी जो संस्कृति है भारत देश की, उसको अपनाना करना, अपन किसी को पाबंद नहीं कर सकते, क्योंकि पोशाक पहनना, ड्रेस पहनना स्वयं के विवेक पे व्यक्ति के खुद निर्णय लेता है। जैसे भोजन करना है तो व्यक्ति स्वयं निर्णय लेता है, आपने थाली परोस दी कि कौन सा भोजन करना है, तो उसकी जो इच्छा होगी वही खाएगा, तो पहनावा भी वही, जो उसकी इच्छा होगी वो पहनेगा। हमारी भारतीय संस्कृति से बढ़कर के तो कोई अच्छी संस्कृति और कल्चर नहीं है, लेकिन प्रतापेश्वर में हम अमावस्या पे जरूर बनेंगे। ये हमारा एक जो हरियाली सोमवती अमावस्या मनी जाती है, तो सोमवती अमावस्या पे, यानी कि सोमवार की अमावस्या पड़ रही है, सोमवार भी है और श्रावण मास भी है, तो उस पर हम जरूर यहाँ प्रतापेश्वर मंदिर में थोड़ा बड़ा आयोजन करने की सोच रहे हैं, जिसमें कि और सभी लोगों को भी इन्वाइट किया जाए। बाकी आपके माध्यम से मेरा तो सभी से निवेदन है कि सब पधारें, आप सबका स्वागत है, और इस तरीके के ये प्रोग्राम से एक सौहार्दपूर्ण बनाने का एक संदेश जाता है हमारे प्रदेश में, जो हमारी संस्कृति है, कल्चर है, उसको एक जीवित रखने का कोई रूपरेखा पाठ और जो भी अन्य मंत्र होते हैं वो सारे पाठ किए जाएंगे, जिसमें किसी मंदिर में 5 पंडित होंगे, किसी में 11 पंडित होंगे, तो वो पूरा विधि विधान से किया जाएगा, जो भी शास्त्रानुसार और पंचांग के हिसाब से होता है उसी हिसाब से विधि विधान से ये हमारे प्रोग्राम्स किए जाएंगे। कुछ कांवड़ियों के लेते हो जाए।